हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझ पाए। जैसे तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम 2011 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 2014 में हमसे पूछे गए हैं। और आप जानते हैं कि जितनी भी हम एमसीक्यूज लेकर आते हैं वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक उपसह संयोजन यौगिक बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या को बताना है कितनी होगी। देखो कैसे निकालोगे भाई, इसके लिए हम मान लेंगे एक्स, ये होता है हमारा कार्बोनिल और इसकी होती है ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 0। इनटू हो गया हमारा कितने हैं ये 4, तो इनटू 4 कर देंगे, मतलब गुणा में 4 कर देंगे, बराबर 0। तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है। देखो इसका आईयूपीएसी नेम भी याद रख लो, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसे कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। क्लियर। देखो एक बात और याद रखो कि इस पर जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp3, और इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, जो इसकी ज्यामिति ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल बोले तो चतुष्फलकीय। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट हो चुका है, पीछे भी हम आपको समझा चुके हैं इसे। चलिए क्या दे रखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव डैश को परिवर्तित करता है, ये है बेटा इसका आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा है, सही। पीछे भी रिपीट हो चुका है, हम इसे पढ़ा चुके हैं एक बार, सकिरण ऊर्जा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। अगर बेटा आपका धनात्मक उत्प्रेरक है, कैसा उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, तो सकिरण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो सकिरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक के लिए कम होता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए ज्यादा हो जाता है, ये बात याद रखनी है। अब हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या दे रखा है इसमें, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता। चार ऑप्शन आपके पास है, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका बेटा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 जो कि जेड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, यही होता है भायतम कोश का, इसमें जो डी कक्षक है उसके में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसीलिए ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है। अब देखो ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसे ध्यान से समझो कि इसमें जो स्कैंडियम है ना, ये भी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं प्रदर्शित करता, याद रखना, स्कैंडियम भी नहीं करता है, ये भी याद रखना। अब देखिए आपका फोर्थ आता है, एस्प्रिन क्या है। बेटा अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे फिनोल टू एस्प्रिन एसटीआर क्लासेस, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, फिनोल से एस्प्रिन कैसे बनाई जाती है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो आप बेटा सर्च कर लेना और इसे देख लेना। मैं अब आपको इसका आंसर बता रहा हूं क्या है। देखो ऐसे आप बनाओगे एक बेंजीन रिंग, सही है, बना दी बेंजीन रिंग, और यहां पर लगाओगे ओ सीओ सी एच थ्री, और यहां पे लगाओगे COOH, सही है, और इसे कहते हैं हम एस्पिरिन, और इसका नेम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, सही है। डिटेल के लिए बेटा वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही होगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है इसमें कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। अरे जो डी ब्लॉक का होगा वही करेगा, तो इसमें कौन है हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड में कौन है एफई, और एफई क्या करेगा हमारा उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करेगा। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन है बेटा, ये 2013 में भी पूछा गया है और अभी आगे भी मिलेगा आपको, ये जो आपका छठा क्वेश्चन है ये आपका 2013 में पूछा गया, वहां पर मैंने समझाया इसे डिटेल में, अब यहां भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझना। रिएक्शन दे रखी है आपको 4Fe+3O2, उसे भी ट्राई करें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, सही पूछा गलत पूछा, सही नहीं पूछा, सही गलत पूछा मतलब, तो हमें तो सही बताना होगा ना, जब पता चलेगा ये गलत है। खैर ऑप्शन देखिए आप,
और मिलाइए। देखो भाई आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको वहां बताया था और अब भी बता रहा हूं, ध्यान समझो कि इस पर कोई ऑक्सीकरण संख्या मतलब कोई चार्ज है, कोई आवेश है इस पर नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी जीरो। सही, यहां पर चार्ज कितना प्लस तीन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस तीन। इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जीरो होगी। इस पर माइनस टू है तो इसकी होगी माइनस के टू। सही, इस बात को इतना समझो, बताइए समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अच्छा अब देखो, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी वहां पर होगा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी वहां होगा रिडक्शन, बोले तो अपचयन। तो यहां से यहां जाओगे तो क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन होगा मेरे दोस्त, क्या होगा ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। और यहां से यहां जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो यहां पर होगा आपका रिडक्शन, बोले तो अपचयन। बोल इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, काहे की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी बताता हूं मैं इसकी अभी, इसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। क्या, अपचायक पदार्थ, याद रहेगा। अब ये जो है इसका अपचयन हुआ है, ये काम करेगा, वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग, दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बोले तो हिंदी में कहते हैं इसे ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह। सही, ये बात याद रहेगी। चलिए देखो, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसमें, तो मतलब एफी ट्रिपल पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हुई है, बोले तो ऑक्सीडाइज्ड हुई है। इसका यहां पर क्या देख रहे हो आप, अपचयन हुआ है तो O2 जो है वो O2 2 नेगेटिव में क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, बोले तो अपचयित हुआ है। इतनी बात याद रहेंगी। चलो अब मिला हुआ ऑप्शन, पहला है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है भैया, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, पहला ऑप्शन सही है, यहां पर आंसर नहीं मिलेगा। फिर क्या कहता है, एफी अपचायक है, मैंने आपको बताया बिल्कुल एफी भैया अपचायक पदार्थ है। चलिए अब ये कहता है कि एफी का अपचयन एफी ट्रिपल नहीं, देखो एफी का एफी ट्रिपल पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन हुआ है, अपचयन नहीं हुआ है। तो आपका जो सही है वो ऑप्शन क्या है, थर्ड ही सही है। आपको गलत बताना था, आपको मिल गया कि इसका इसमें अपचयन नहीं ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो फोर्थ भी पढ़ लो, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। चलिए अब हमारा सातवां आता है, सातवां न्यूमेरिकल है शायद, हाँ सातवां न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ध्यान से। दो द्रवों पी तथा क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी बोले तो एमएम एवं 60 मिमी है, पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। ये हमें सवाल सोल्व करना है, आप पहले खुद से ट्राई करें इसे। चलिए अब हम इसे करेंगे बेटे राउल्ट के नियम से, मैं आपको राउल्ट का नियम पढ़ चुका हूं, राउल्ट के नियम अनुसार या राउल्ट के नियम से क्या करना है, हमें सवाल दे रखा है उसने कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताना है, क्या निकालना है हमें, विलयन का कुल वाष्प दाब। मैंने मान लिया क्या है पीएस, ये करना हमें ज्ञात करना है। तो कैसे बनाओगे फॉर्मूला, ध्यान समझो भाई, हमारे दो अवयव हैं, दो घटक हैं, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। सही है, बहुत ध्यान समझना। देखिए विलयन को मैंने मान लिया पीएस बराबर, देखो घटक पी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मैंने लिखा, और घटक पी का मोल प्रभाज गुणा कर दिया आपस में, प्लस घटक क्यू का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और घटक क्यू का मोल प्रभाज से उसकी गुणा ली, ये बना आपका फॉर्मूला। सही है, अब तुम देखो घटक पी है, इसका मोल प्रभाज कैसे निकालोगे भाई, इसके मोलों की संख्या रखो प्लस इसके मोलों की संख्या और जो दूसरा घटक है उसके मोलों की संख्या रखो। इसी तरह से तुम इसका मोल प्रभाज कैसे निकालोगे भाई, सर हम इसके मोलों की संख्या रखेंगे, अरे दे रखी है सवाल में भाई, सवाल में दे रखी है, देखो देखो तो जरा दे रखी है, देखो एनपी 3 दे रखे हैं, 3 मोल, और ये 3 आ गया और ये दे रखा हमें 2 मोल,
टोटल हमारे पास कितना हो गया 3/5 मोल। सही, मोल परिभाषा का मात्रक नहीं होता, ये आपको करा चुका हूं बेटे, न्यूमेरिकल चल रहा है, जाकर आप प्लेलिस्ट देखेंगे कम से कम, वहां आपको पता चलेगा क्या क्या चल रहा। देखो इसके मोल की संख्या 2 है, इसके 2+3 कितनी हो गई ऊपर 2/3। बताओ ये तो आपको दे रखे हैं ना सवाल में, ये हमने निकाल ली, चाहे डायरेक्ट भी फॉर्मूले में रख के कर सकते थे यार, एज यू विश टिंक मी आओ। तो भैया तो टोटल वाच दाब ये है, बताओ कितना दे रखा आपको, ये 80 दे रखा सर, आपने रखा 80 × और ये कितना आया आपका 3/5 प्लस। अब देखो क्यों दे रखा है आपको 60, हाँ 60 दे रखा, रखो 60 और ये कितना आया आपका 2/3, मैं 2/3 यार, अबे भाई यार भाई साहब 2/5 आ गया यार, 2/5। चलिए करिए आप, देखो भाई काटो इसे, कितनी बार चला जाएगा 5 × 5 कितने बचे 3 बचे, 5 × 6 = 30, 16 तिया बस बात खत्म। देखो भैया 5 × 5 एक बचा इधर गया और 5 × 10 12 × 24 जोड़ो 8 और 4 कितने हो गए 8 × 4 = 12 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 = 3 और 3 और 4 कितना हुआ 7 72 mm। देखो ये यार ये आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, मिलाओ यार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा 4th बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो इसे, क्या दे रखा है कि क्लोरोफार्म का उपयोग होता है। भैया इसका 3rd ऑप्शन सही है, ज्यादा दूर मत जाओ, 3rd ऑप्शन सही है। क्या नाम है इसका, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। देखिए नवा क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, नवा क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं आपको करा चुका हूं, इन डिटेल समझा चुका हूं बेटा, 2011 से आप देखते भाई कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता हूं, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और कोई फायदा भी नहीं है, आप शुरू से देखते हुए आओगे 2011 से, अभी हम 2024 तक के निपटाएंगे, फिर चैप्टर वाइज भी आपके एमसीक्यूज लेकर आएंगे यार, कर आप कम से कम जुड़िए उसे देखिए और समझिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि प्रयोगशाला में बेयर अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है द्यूबंध की जांच करने के लिए, इन डिटेल मैंने समझाया था वहां पर। ये देखिए 10वां क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर साइड में मिलेगा ही मिलेगा। ये 4 धातु दे दी मैंने, लिख दिया ABCD सही है, इनके आपको क्या दे रखे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, इसका दे दिया आपको +1.5 वोल्ट, इसका दे दिया आपको -2.0 वोल्ट, इसका दे दिया आपको +0.34 वोल्ट, इसका आपको दे दिया उसने -0.76 वोल्ट। देखो ये सवाल भी मैं कई बार समझा चुका हूं, इस तरह के सवाल समझ रहे हो बेटा, शुरू से देखते आओ वीडियो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो अब आपको क्या बताना है, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता क्रम बताओ, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपको लिखना है। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील वो होगी जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, मैंने क्या कहा, इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील वो होगी जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, या कह दो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, या जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। बताओ सब में ज्यादा ऋणात्मक कौन, बी सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद देखो डी सॉरी उससे छोटा बताओ कौन है सी, अब इनमें सबसे बड़ा कौन है ए, यह ऑर्डर देखो कहां मिल गया है आपको, वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखो 3rd वाला देखना जरा, देखो ए अब खुद ही इलिमिनेट हो जाएगा यार, देखो पहले में बी नहीं है, दूसरे में बी नहीं है, चौथे में बी नहीं है, ये है तो आपका ये ऑप्शन कौन सा 3rd बिल्कुल सही है। चलिए चलिए 11वां सवाल देखते हैं, हमारा 11वां सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विलयनों में किसका सर्वाधिक प्रसरण दाब होगा। आप पहले खुद से ट्राई करें उसके बाद मैं करता हूं इसे, 2013 में भी इससे एक मिलता जुलता हमने आपको कराया था, याद है क्या तुम्हें, याद है क्या तुम्हें, याद है या नहीं, कैसे बताया था मैंने वहां बताया था क्या जो यहां बताऊंगा,
जो तुमको मैं यहां बताऊंगा। पहले खुद से ट्राई करो कौन सा सही होगा। पहुंच गए आंसर तक? पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे या नहीं पहुंचे बालक? कर दीजिए, देखता हूं कितना सही है आपका आंसर। देखो एक बात याद रखो, हमें बताना है किसका सर्वाधिक परसरण दाब होगा। देखो परसरण दाब जो होती है एक अणु संख्या गुणधर्म है। क्या है? अणु संख्या गुणधर्म, बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कणों की संख्या पर। तो जिसके कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा, तो उसका परसरण दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब यहां पर आप देखो कि इनमें से किसका आयनन हो रहा है। देखो भाई अगर मैं KCl की बात करूं तो ये भैया प्रबल अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये टूट जाएगा काय में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो यहां देखो I का मान कितना आया, I कौन है? वांट्स हाफ गुणांक, वांट्स हाफ गुणांक है। कितना आगे सर? दो, एक कण ये, एक कण ये, दो कण आगे। चलो भैया यहां की बात करें, यह अमोनियम फॉस्फेट है, इसे तोड़ो, तोड़ो इसको, इसका भी आयनन करो। ओ मेरे अल्लाह, तोड़ो भैया, क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव, यहां पर शुरू लगा दो 3 और प्लस P4 ट्रिपल नेगेटिव, तीन आयन ये बने और एक आयन ये बना। तो सर यहां पर I का मान 4 आ गया। अब हमारा शक इस पर ही आ गया, यू ही है सवाल, यही है हमारा आंसर। अरे भैया आगे भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं है। अभी क्या आगा? BA डबल पॉजिटिव आ गया, सही है। और ये आ गया हमारा Cl नेगेटिव, और ये दो हैं, यहां दो लगा दिया, एक आयन ये बने, दो आयन ये भी बने। सर इसका आई का मान हमारा 3 आ गया। तो जिसका आई का मान ज्यादा होगा समझ लो वही आपका आंसर है। चलिए अब यहां देखो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है, तो इसलिए आई का मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कण किसमें? इसमें। सबसे ज्यादा आई का मान किसमें? इसमें। तो यही है तुम्हारा आंसर। तो ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए 12वां सवाल है हमारा, क्या दे रखा है? आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, खुद से ट्राई करेंगे। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं आयोडोफॉर्म पर, हेलोफॉर्म पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसमें इन डिटेल में समझा चुका हूं कि कौन हेलोफॉर्म, बोले तो आयोडोफॉर्म देगा, कौन नहीं देगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना और आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। सही, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो भैया, जिसमें CH3CO ग्रुप हो, या जिसमें CH3CO ग्रुप हो, या जो ऑक्सीकृत होकर CH3CO ग्रुप दे दे, तो वो आपके हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, ये बात याद रखना। देखो पहला है आपका एथेनॉल, कौन होता? C2H5OH, एथिल एल्कोहल, और IUPAC नेम होता है इसका एथेनॉल। तो ये ऑक्सीकृत होकर ये वाला ग्रुप दे देता है, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगा। चाहे यहां पर लिखा होता हेलोफॉर्म, तो जब भी बात यही आती, समझे? हेलोफॉर्म अगर लिखा होता जब भी बात यही आती, सही। हेलोजन भाई, आयोडीन क्या है? आयोडीन को देख, हेलोजन ही है, तो बस इससे याद रखो। फिर आपका एथेनॉल है, तो CH3 डबल बॉन्ड ओ, ये तो होता है एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड होता है, और IUPAC नेम दे रखा है इसमें एथेनॉल होता है। तो देखो इसके अंदर साफ साफ बंधन नजर आ रहा है, और लेकिन ये ऑक्सीकृत होकर ये बन जाता है, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगा। अब देखो एसिटोफिनोन जानते हो, बेंजीन रिंग बनाइए, सर बना ली हमने बेंजीन रिंग, और यहां पर COCH3 बना दो, अरे ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखा दे रहा भाई, ये भी देगा, तो एसिटोफिनोन देगा। अब बचा कौन सा हमारा? थर्ड ऑप्शन, बेंजियोफिनोन। ये कैसा होता भैया? देखो ऐसा होता, ऐसे ऐसे, और यहां से जोड़ दो रिंग, सही, ऐसे बन जा, ऐसे 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 ऐसे, सही है। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, दिख कर रहा है ये डबल बोन है, देखो ये ऐसे लिख लो, तो ये होता आपका कौन? बेंजोफिनोन। तो देख लो इसमें तो बनी नहीं गया, तो हमारा यही ऑप्शन है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, सही है। अब देखो 13वां सवाल आ गया, बेटा 13वां सवाल भी आपका रिपीटेड है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, सही। बस इसका आंसर बता के मैं यहां से निकलूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो हमारा साइक्लोहेक्सेन नहीं है। चलिए 14वां क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? फिनोल का 0.2% विलयन निम्न में से
वो फिनोल का 0.2% विलयन निम रूप में कार्य करता है, सब जानते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में करता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आपका आता पंद्रहवा सवाल, पंद्रहवा सवाल ही कर देता हूं, कह रखा है इसमें वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, बेटा सेलुलोस है, सेलुलोस है, सेलुलोस है, सेकंड ऑप्शन है, सही है। सोलवा सवाल, बेटा सोलवा सवाल आपका ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी तो बहुत देखोगे, पीछे भी देख चुके हो, मैं करा चुका हूं पीछे, और मैं न्यूमेरिकल की सेपरेट प्लेलिस्ट है जो आपके अनसोल्ड पेपर में न्यूमेरिकल पूछा गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हो, कहीं भी पूछा गया, वो मैं करा रहा हूं, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और जो आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है, तो ये मैं आपको करा चुका हूं, इसका लिंक भी बेटे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से कर लेना, सही है, बेकार टाइम वेस्ट होगा यहां कराने से, वीडियो देखने के बाद आराम से कर लेना, जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो जो सी वीडियो कहा कि देख लेना देख लेना देख लेना, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आराम से देख लियो, आपकी पूरी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो इसका आंसर बेटा पहला होगा, जो सोलवा सवाल है आपका आंसर इसका होगा पहला, सही, कहीं कहीं देखो 55.55 भी लिखा मिला है, कहीं कहीं 55.56 भी लिखा मिला है, सही, किसकी इससे कंफ्यूज मत होना। चलिए आपका सत्रहवां सवाल है, सही सत्रहवां सवाल है, मैं कराता हूं इसको, वैसे तो इस पर भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं बता देता हूं, देखो उसने कहा आपको कि निम्नलिखित अभिक्रिया दे दी आपको और उत्पाद बताना क्या है। देखो भाई ये होती है आपकी बेंजीन और ये है आपका क्लोरीन, और यहां उपस्थिति रख रहा हूं किसकी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का है ये प्रकाश, बताओ सूर्य क्या है, प्रकाश है। अब क्या करना है, देखो तीन धुनी यहां तीन लगाओ, छह हो गए, बस ये सबको मिला दो, C6H6Cl6, ये क्या बना है, ये बना है आपका किसी ऑप्शन में, सही है थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसे क्या कहते हैं BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसे कहते हैं, सही, और भी नहीं मैंने बताया है, इसी भी बेटा सर्च करके देख लियो, मैं समझा चुका हूं ये भी। तो ये थे आपके 2014 के वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो आई होप ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।